हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मऊ जंक्शन से गाजीपुर सिटी होते हुए ताड़ी घाट तक जो नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इससे जुड़ी आगे की जानकारी या अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आगे की सारी जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मऊ जंक्शन से गाजीपुर सिटी होते हुए ताड़ी घाट तक बनने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 14 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह मऊ गाजीपुर होते हुए ताड़ी घाट परियोजना 51 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 1766 करोड़ के बजट से कार्य होना है। इसका कार्य दो फेस में होना है। पहले फेस में गाजीपुर सिटी से ताड़ी घाट तक और जो गाजीपुर घाट से जो बाईपास बनाकर रेल कम रोड ब्रिज से कनेक्ट किया जा रहा है वह, और दूसरे फेस में गाजीपुर सिटी से मऊ रेलवे लाइन तक, जिसका कार्य पहले फेस के ख़त्म हो जाने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेस के कार्य को कंप्लीट करने की डेडलाइन मार्च 2022 तक दी गई है। उसके बाद ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि फेज़ टू का कार्य, यानी कि गाजीपुर से मऊ तक जो लाइन बिछाई जाएगी उसका कार्य हमें स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। आपको बता दें कि जो पहला फेज़ है उसमें जिला सदर के 10 गांव और जमानिया सदर के 7 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा पहले फेज़ में दो नए रेलवे स्टेशन सोनवल और गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि वह भी अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे फेज़ की बात करें तो गाजीपुर सिटी और मऊ जंक्शन के बीच 41 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक बिछाई जानी है, जिसमें कुल 4 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया जाना है, जिसमें बधुआ गोदाम, मर्दा, बिरनो और जंगीपुर हैं। आपको बता दूँ कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद गाजीपुर सिटी, जो कि छोटा रेलवे स्टेशन माना जाता था, आने वाले दिनों में एक बड़े रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा और साथ ही साथ मऊ और गाजीपुर के साथ साथ और भी क्षेत्र इन रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली कोलकाता मेन रेलवे लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, जिसका आगे चलकर यहां के निवासियों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। और भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।